नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ओरिकल ओरिकल जो माय स्कूल का डेटा है उस पे हम अपने एक्सेल डेटा को कैसे लोड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एसक्यूएल सर्वर, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है, इस एसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से अपने एक्सेल डेटा को लोड करेंगे। तो हमारे डेटाबेस में लोड करना है, तो ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल सर्वर में डेटा को लोड करने के लिए हमें डेटा को कन्वर्ट करना होता है सीएसवी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम फाइल को सेव एज करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन, और इस लोकेशन में हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना सी एस वी फॉर्मेट, कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट होता है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और नाम अगर कुछ देना है तो हम नाम दे देते हैं डी डी एंड सेव करते हैं। अब मुझे इस डी डी वाले डेटा को अपने एसक्यूएल सर्वर में लोड करना है। तो एसक्यूएल सर्वर में किस डेटाबेस में करना है, तो मैं डेटाबेस पे क्लिक किया, डेटाबेस डेटा में करना है, मैं डेटाबेस के डेटा में करना है। तो राइट क्लिक करते ही यहाँ हम रिपोर्ट्स पे आते हैं, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, टास्क पे आते हैं, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा इंपोर्ट फ्लैट फाइल करके आएगा, हम इस पे क्लिक करते हैं, और इसमें हमारे पास कुछ है, हम देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे हम फाइल का लोकेशन देते हैं कि कौन सा फाइल है। तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर डीडी वाले फाइल को सेलेक्ट कर लिया, और टेबल नेम क्या देना है, तो टेबल नेम हमने बोल दिया SLDATA, सैलरी डेटा, एसएल डेटा। फिर नेक्स्ट करता हूं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसने डेटा को पूरा रीड कर लिया है, अगर डेटा में दिक्कत है तो इसको मॉडिफाई कॉलम कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए, इसमें कोई कॉलम को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई आप कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी देखिए इंटीजर में है, तो मैं इंटीजर के जगह पे अगर कुछ और डेटा टाइप लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। उसके बाद बाकी अपने आप डिफॉल्ट लेता है, अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसको प्राइमरी की करना है नहीं करना है, जैसे कि देखिए ओवर टाइम स्मॉल इंट में है तो इसको भी मैं इंट कर देता हूँ, और फिर इसको नेक्स्ट एंड फिनिश, ये डेटा को इंसर्ट कर रहा है। डेटा इंसर्ट, सक्सेस, रिजल्ट आ गया सक्सेस, हम क्लोज करते हैं। फिर हम टेबल में आके देखेंगे, हमारे पास नया टेबल बन जाएगा एसएल डेटा के नाम से, एसएल डेटा के नाम से बन गया। अब मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 100 भी क्लिक करता हूं, टोटल टॉप 1000 था, तो टाइम लेता है। ऊपर क्यूरी है और नीचे हमारा पूरा डेटा है। इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी वन आपका पूरा आ गया, सिलेक्ट कॉलम चावल, इसको हम यहां से क्लोज करते हैं एंड अपने डेटाबेस को भी क्लोज करते हैं। तो इसी से तरह मेरी वीडियो पे बने रहें, और जब भी आपको टाइम लगे आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और यूट्यूब पे आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे तो मेरे पूरे चैनल्स आ जाएगा। मैंने एक्सेल से रिलेटेड, एक्सेल वीवीए से रिलेटेड ज्यादा वीडियोज हमने डाले हैं, साथ में टैबलू, पावर बीआई, एसक्यूएल, माय ओरेकल से रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ,
तो आप जो है हमारे इस वीडियो को हमारे इस आईपीटी इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करके सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ में आप मेरे साथ एडवांस फिक्सर और एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हैं। कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।